जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान और आप देख रहे हैं सुफियान टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको ओप्पो K9 Pro के बारे में सब कुछ बताऊंगा। इस स्मार्टफोन के क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, इस स्मार्टफोन का प्राइस क्या है, ये दोस्तों कब लॉन्च हो रहा है, ये इंडिया में लॉन्च होगा कि नहीं होगा, हम लोगों को वेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, अगर आप दोस्तों इन्फिनिक्स हॉट 11S के बारे में जानना चाहते हो तो ये दोस्तों दो दिन पहले लॉन्च हो गए थे। आई बटन पे वीडियो दे रहा हूँ, क्लिक करके जाके देखो, आपको सब कुछ मालूम चल जाएगा। और आई बटन के सारे वीडियोज को चेकआउट करिए, बहुत अच्छे वीडियोज बनाता हूँ, आपको जरूर से पसंद आएंगे। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्प्ले से, तो यहाँ पर आपको 6.43 इंच का एक फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले मिल जाएगा। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का स्क्रीन प्रोटेक्शन होगा। आपको बहुत अच्छा टच सैंपल रेट भी देखने को मिलेगा और बहुत अच्छे लेवल के आपको ब्राइटनेस लेवल्स भी देखने को मिलेंगे। और ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेशन मुझे पता चले जो कहते हैं यहाँ पर आपको HDR 10 प्लस भी देखने को मिल सकता है। फिलहाल दोस्तों जितने ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन मुझे मालूम चले मैं आपको बता दिया हूँ। 6.43 इंच का एक AMOLED डिस्प्ले होगा, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ आएगा। सामने आपको ऑफिशियल रेंडर्स भी दिखा दे रहा हूं, छोटा सा पंच होल है, नीचे चेन देखने को मिलेगा, फ्लैट डिस्प्ले है। डिस्प्ले वाइज ये स्मार्टफोन अच्छा होगा, AMOLED डिस्प्ले दे दे रहा है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, तो डिस्प्ले के स्पेक्स बहुत अच्छे हैं। जितने डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन मालूम चले मैं आपको बता दिया, ठीक है ना। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं कैमरास के बारे में। तो कैमरास इसके शानदार होंगे, आपको बहुत अच्छे कैमरास मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, 64 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो। तो कैमरास इसके बहुत ही अच्छे हैं। सेल्फी की बात कर ले तो 16 मेगापिक्सल का सेल्फी मिल जाएगा वाइड एंगल लेंस के साथ, जो एक पंच होल के साथ आएगा। तो कैमरास इसके अच्छे हैं। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मेन स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो यहाँ पर आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा, जो बहुत ही अमेजिंग बात है। UFS 3.1 का स्टोरेज सपोर्ट मिलेगा, LPDDR4X RAM टाइप देखने को मिल जाएगा, 4500mAh का बैटरी मिलेगा, 65W के फास्ट चार्जर को सपोर्ट करेगा, जो बहुत ही अच्छी बात है। Android 11 के साथ आएगा, ColorOS पे रन करेगा और NFC भी आपको देखने को मिलेगा। तो मेन स्पेसिफिकेशंस भी बहुत ही अच्छे हैं। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। तो यहाँ पर आपको MediaTek का लेटेस्ट फ्लैगशिप प्रोसेसर मिल जाएगा, MediaTek Dimensity 1200, जो दोस्तों 6 नैनोमीटर के टेक्नोलॉजी पे बेस्ड एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। माली G77 MC9 का GPU मिल जाएगा। देखो यार परफॉर्मेंस वाइज कोई दिक्कत नहीं होगा, हाई ग्राफिक्स पे इजिली गेमिंग कर लोगे, डे टू डे लाइफ में स्मार्टफोन हवा से बातें करेगा। परफॉर्मेंस वाइज ये चिपसेट बहुत ही अच्छा है, आपको स्नैपड्रैगन 870 के आसपास का परफॉर्मेंस दे देता है। तो सोच सकते हो कितना पावरफुल प्रोसेसर होगा और आप तो उसके बारे में सब कुछ जानते ही हो। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो डिजाइन वाइज ये स्मार्टफोन पीछे से देखोगे तो बहुत ही अच्छा लगता है, रेनो सीरीज के स्मार्टफोन्स का याद दिला देता है और रेनो ग्लो के साथ आता है, तो थोड़ा सा स्मार्टफोन चमकेगा और वैसे ही आपको कलर्स देखने को मिलेंगे जो ओप्पो रेनो सीरीज के स्मार्टफोन्स में टिपिकली देखने को मिलते हैं। तो वो जो कैमरा हाउसिंग है उसके साइड में जो नंबर्स लिखे हैं K9 वगैरह, ये सब देखने में अच्छे लगते हैं। आगे से देखोगे तो पंच होल है, चिन देखने को मिल जाएगा, फ्लैट डिस्प्ले, आगे से भी देखने में अच्छा लगता है। अगर बिल्ड वाइज देखोगे तो ग्लास पैक के साथ आएगा, आपको एल्यूमिनियम फ्रेम मिलेगा, लेकिन चांसेस बहुत ज्यादा है जहां तक मुझे पता चला कि प्लास्टिक फ्रेम के साथ आएगा। आगे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का स्क्रीन प्रोटेक्शन होगा। डिजाइन और बिल्ड वाइज अभी तक इतने इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है जितना मैं आपको बताया हूँ, ठीक है ना। तो डिजाइन और बिल्ड वाइज ये स्मार्टफोन ओप्पो के नजरिए से देखोगे तो सही है, अच्छा बिल्ड और अच्छा डिजाइन दे देता है। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मेन मुद्दे के बारे में, प्राइस और अवेलेबिलिटी के बारे में। तो ये स्मार्टफोन 26 तारीख को चाइनीज मार्केट्स में लॉन्च हो जाएगा। प्राइसिंग की बात कर ले तो ये चाइना टेलीकॉम पे पकड़ा गया था, इसके पूरे के पूरे ऑफिशियल प्राइसेस बाहर आ चुके हैं। 8+128GB 27,350 रुपये का देखने को मिलेगा, 27,350 रुपीज़। 8-256 आपको 29,620 रुपये का देखने को मिलेगा, 29,620 रुपीज़। और 12-256 आपको 30,100 रुपये का देखने को मिलेगा, 30,100 रुपीज़। तो आपको प्राइसिंग कैसा लग रहा है जल्दी से कमेंट करके बताओ। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इंडियन अवेलेबिलिटी के बारे में, क्या ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होगा। देखो यार ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च हो सकता है, क्योंकि कुछ टाइम पहले ये इंडिया के IMEI डेटाबेस पे पकड़ा गया था, तो इसके लॉन्च होने के चांसेस तो पूरे पूरे हैं, लेकिन कब लॉन्च होगा ये नहीं मालूम है, ठीक है ना। तो वेट मत करिए आप, लेकिन लॉन्च जरूर होगा। अब इंडिया के IMEI डेटाबेस को क्लियर किया है तो लॉन्च होने के चांसेस तो बनते हैं बॉस, तो ये इंडिया में लॉन्च हो सकता है, लेकिन कब लॉन्च होगा इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है। जैसे भी दोस्तों मुझे इंडियन अवेलेबिलिटी के बारे में कुछ भी मालूम चलेगा मैं आपको टेक न्यूज में बता दूंगा, आप टेक न्यूज को फॉलो करते रहिएगा, आपको सब कुछ मालूम चलता रहेगा।
ठीक है। अब रहा सवाल दोस्तों वेट करें कि नहीं करें, मैं कहता हूं आप वेट मत करो यार, आपको इंडिया में और अच्छे अच्छे ऑल्टरनेटिव देखने को मिल जाते हैं। अगर आपका बजट 30,000 रुपए है तो आप IQOO 7 जाके परचेस कर सकते हो, नहीं तो दोस्तों अगर आप OnePlus Nord 2 परचेस कर सकते हो तो कर लो यार, क्योंकि वो हर मामले में इससे आगे है और बहुत अच्छा स्मार्टफोन है वो। नहीं तो दोस्तों आप मी 11X की तरफ भी जा सकते हो, वो भी अच्छा स्मार्टफोन है। नहीं तो दोस्तों आप Realme GT Master Edition को भी देख सकते हो, लेकिन उसको मत परचेस करना यार, क्योंकि अभी इसी महीने के अंत तक 29 तारीख को मी 11 लाइट 5G एनी लॉन्च हो जाएगा, वो तो 21,000 रुपए के आसपास लॉन्च होगा, वो आपको और अच्छे स्पेक्स देगा, उसके तरफ भी जा सकते हो। नहीं तो दोस्तों आप ओप्पो रेनो 6 भी ले सकते हो, ओप्पो रेनो 6 प्रो भी ले सकते हो, वो भी बहुत अच्छे स्मार्टफोन्स हैं, लेकिन 30,000 के कैटेगरी में मैं जो आपको बता चुका हूँ उन्हीं को जाके परचेस करना। तो ये ऑल्टरनेटिव्स हैं, इनको जाके परचेस करो, इसके लिए वेट मत करो। फिर भी अगर इंडियन अवेलेबिलिटी के बारे में कुछ भी मालूम चलेगा तो मैं आपको टेक न्यूज में बता दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों बस आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आ गया तो इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दो, एम करते हैं दोस्तों 80 लाइक का, जल्दी से कर दो यार। और चैनल पे नए आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और साइड के बेल आइकन को भी दबा दो। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो और मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि आप ओप्पो K9 प्रो के लिए वेट करोगे, जल्दी से कमेंट करके बताओ। और मैं ऐसे आप लोग के लिए इंटरेस्टिंग टेक रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूं, रात को टेक न्यूज भी देता हूं, तो टेक न्यूज भी जरूर से देखा करो। और मैं मिलता हूं आप सभी से अगले और एक नए वीडियो में, हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो, चलो बाय।